हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है मीठा जर्दा बनाना। तो आइए बनाते हैं बसंत पंचमी के अवसर पर मीठा जर्दा। मीठा जर्दा बनाने के लिए ये हमने एक कटोरी चावल लिए हैं, एक कटोरी चीनी ली है, ये हमने फ्रूट कलर लिया है, ये ऑरेंज कलर लिया है, एक बड़ी इलायची ली है और दो छोटी इलायची, और ये चार मैंने लौंग ली हैं, थोड़ी सी मैंने किशमिश और थोड़ी सी बादाम को कट कर लिया है, और थोड़ा सा हमने नारियल को भी लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है। और इधर मैंने पानी को बॉईल होने के लिए गैस पे रख दिया है। और सबसे पहले मैं चावल को वॉश कर लेती हूँ। चावल को मैं अच्छे से धो के भीगने के लिए छोड़ देती हूँ जब तक हमारा पानी उबलता है। और ये मैंने चावल को अच्छे से भिगोकर छोड़ दिया है, और जब तक हमारा पानी उबलता है तब तक हम इन मसालों का तड़का लगा लेते हैं, ड्राई फ्रूट का। ये इधर हमारा पानी गर्म होने लगा है, अब मैं इसके अंदर ये एक पिंच के आसपास मैं इसमें फ्रूट कलर डाल दूंगी। और साथ में ही मैं इसमें ये खड़े मसाले डाल दूंगी, और पानी को मैं उबलने देती हूँ अच्छे से। मैंने ये एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसके अंदर एक चम्मच के आसपास इसके अंदर मैं देसी घी डालूंगी। घी को मैं गर्म होने देती हूँ, और इधर हमारा पानी बॉईल हो चुका है, और मैं अब इस चावल का पानी निकाल लेती हूँ। अब मैं इसके अंदर ये चावल डाल दूंगी। मैंने चावल का पानी निकाल लिया है। चावल को मैं अच्छी तरह से उबलने दूंगी। इन्हें हमें 3/4 तक ही पकाना है चावल को। इधर ये हमारा घी गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें ये नारियल डाल दूंगी, साथ ही मैं इसमें बादाम डाल दूंगी, और इनको मैं रोस्ट कर लेती हूँ। जब तक हमारे चावल उबलते हैं तब तक मैं इन्हें अच्छे से रोस्ट कर लेती हूँ। ये हमारे ड्राई फ्रूट रोस्ट हो चुके हैं, गैस को मैं बंद कर देती हूँ। और इधर हमारे ये चावल अच्छे से उबल चुके हैं। मैंने इन्हें सिर्फ 1/4 ही कच्चे रहने दिया है चावल को। ये अभी मैं दिखा देती हूँ आपको तोड़ के। ये देखो, एक कनी की कसर है इसमें। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और चावल का पानी मैं छान लेती हूँ। और ये मैंने चावल को पानी से अलग कर दिया है, और ये छन के अच्छे से तैयार हो चुके हैं। अब मैं इस कढ़ाई के अंदर चावल डाल दूंगी। और साथ ही मैं इसमें ये चीनी डाल दूंगी। गैस को मैंने ऑन रखा हुआ है, और मैंने इसे गैस को स्लो पे ही रखा हुआ है। और साथ ही मैं इसके अंदर ये किशमिश भी डाल दूंगी, और अब मैं इन्हें मिक्स कर लेती हूँ। मैंने इसे चीनी के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब मैं इसे ढक के 1 से 2 मिनट पकने दूंगी, जिससे कि चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट होकर चावल में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं इसे 1 से 2 मिनट स्लो गैस पे ही पकने दूंगी। तो आइए, हमारे चावल को 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, अब इन्हें हम देख लेते हैं। अब मैं इन्हें ला के देखूंगी। ये हमारे चावल में थोड़ा सा चाशनी है,
अब मैं इसे थोड़ी सी हाई गैस पे पकने दूंगी, जिससे कि इसका पानी सारा सूख जाए चाशनी। मैंने गैस को हाई कर रखा है, जिससे कि इसका पानी जल्दी से सूख के राइस तैयार हो जाए। अब मैं इसको हिलाऊंगी। ये देखो पानी कितने अच्छे से सूख कर तैयार हो चुका है। मीठा जर्दा हमारा कितने अच्छे से बनकर तैयार हुआ है। अब मैं इसे ढक देती हूँ और गैस के फ्लेम को मैं बंद कर देती हूँ। 1 मिनट के लिए इसे हमें ढक के रहने देंगे। तो आइए चावल हम चेक कर लेते हैं। ये देखो चावल कितने बढ़िया से बनकर हमारा जर्दा तैयार हुआ है। अब मैं इसे एक बाउल में सर्व करूँगी। कितने बढ़िया से बनकर तैयार हुए हैं। ये हमारा मीठा जर्दा बनकर तैयार हो चुका है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।